दोस्तों आईपीएल का दूसरा मैच महेंद्र सिंह धोनी वाली चेन्नई सुपर किंग और नए नए कप्तान बने ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। एक तरफ जहां आईपीएल की दूसरी सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग है और इस टीम के एक्सपीरियंस कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले आईपीएल में काफी शानदार प्रदर्शन दिखाया था और आईपीएल के फाइनल तक पहुंची थी। वहीं इस बार दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के कंधे में चोट लगने की वजह से उनके जगह ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया है और ऐसे में ऋषभ पंत की पूरी कोशिश होगी कि दिल्ली कैपिटल इस बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम करे। ऐसे में आइए दोस्तों जानते हैं कि दूसरे मैच के लिए दोनों ही टीमों की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें चेन्नई सुपर किंग की तो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते ऋतुराज गायकवाड और फाफ डुप्लेसी नजर आएंगे। वहीं मिडल ऑर्डर में सुरेश रैना, अंबती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी और मोइन अली मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। वहीं गेंदबाजी में सैम करन, रवि, डेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर चेन्नई की टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तो दिल्ली कैपिटल्स के दो प्रमुख गेंदबाज कैलिस्टो रबाडा और एनरिक नोकिया पहला मैच शायद नहीं खेल पाएंगे क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा थे। ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी 6 तारीख को मुंबई पहुंचे हैं। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों को 7 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों का पहला मैच खेलना मुश्किल है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए शिखर धवन और पृथ्वी शॉ उतरेंगे। वहीं मिडल ऑर्डर में अचिंक्य रहाणे, स्टीव स्मिथ या सिमरन हेडमायर में से कोई एक खिलाड़ी चौथे नंबर पर खेलता नजर आएगा। वहीं पांचवें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। वहीं छठे नंबर पर मार्क स्टोइनिस, वहीं सातवें नंबर पर रविचंद्रन अश्विन और आठवें नंबर पर अमित मिश्रा, नौवें नंबर पर टॉम करन और नंबर 10 पर क्रिक वॉक्स, वहीं 11वें नंबर पर ईशांत शर्मा या उमेश यादव में से कोई एक गेंदबाज दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देगा। दोस्तों दूसरे मैच के लिए इन दोनों ही टीमों की तरफ से ये खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। दोस्तों आपके हिसाब से दूसरे आईपीएल का मैच कौन सी टीम जीतेगी, अपनी कीमती राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आपको क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।